अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, अमर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, अमर है। आज वार्ड नंबर 31 में स्टैंड विद द ह्यूमैनिटी फाउंडेशन उनके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के माध्यम से अच्छा लगा कि आज हम सब उस महान विभूति को याद कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनका आज जन्मदिन है। उनको हम सब यहां पर याद कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम सब यहां से जाएंगे और उन्हीं के चरणों में श्रद्धांजलि देने हेतु आज मुख्यतः रूप से हमारे साथ यहां पर हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाही जी, हमारे यहां के पार्टी के सेक्रेटरी अयोध्या गुप्ता जी, पुनीत जी, वीना जी और इस फाउंडेशन के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, दीपक जी, इन सब ने मिलकर यहां पर उस महान विभूति को याद किया है। पूरा भारतवर्ष उनको आज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको उनके चरणों में नमन कर रहा है। उस महान विभूति को याद रखा जाएगा उनके कुछ कार्यों के कारण। 1999 का युद्ध हम सब जानते हैं, कारगिल का युद्ध। हर बार की तरह हमारे सैनिक जो थे वो जगह जगह पर जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो 47 का युद्ध था, 65 का था, 71 का था, हर बार भारतीय सैनिक जीतते थे, लेकिन जब मेज के ऊपर बैठने की नेताओं की बारी आती थी तो वो हारते थे। लेकिन इस बार का युद्ध सैनिकों ने भी जीता और हमारे नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने वो युद्ध भी जीता और उस महान विभूति के चलते पोखरण का बम विस्फोट भी जो है हमारी सरकार में किया गया। पूरे विश्व भर के शक्तियों ने प्रतिबंध लगाए, लगता था मानो देश जो है वो पिछड़ जाएगा, लेकिन सीना तान कर, सीना ठोकर यशस्वी नेता ने बता दिया कि भारत जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। एक सुशासन दिवस के रूप में हम सब उनका जन्मदिन मनाते हैं। मैं पुनः हमारे स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष मानिक जी और उनकी पूरी टीम का साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज प्रमोद कपाही जी के साथ, अयोध्या जी, वीना जी, पुनीत जी, दीपक जी और सभी पूरी टीम के साथ मिलकर उस महान विभूति के चरणों में नमन करने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय।